आज एक ऐसी स्किल पर बात करेंगे जिसको अगर मास्टर कर लिया तो लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आज के टाइम में आप कुछ करना चाहते हो मगर कुछ कर नहीं पाते तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल को समझना होगा। एंड इसके लिए सिंपली आपको अपने काम को पेपर पर लिखना होगा। एंड आई थिंक यही बहुत से लोग गलती करेंगे बिकॉज दे डोंट नो द करेक्ट वे हाउ टू प्लान देयर वर्क। बट राइट वे आज मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको अपने पेपर पर चार ब्लॉक बनाने हैं, जिसमें पहला ब्लॉक इंपॉर्टेंट अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट वर्क के साथ होगा एंड सेकेंड ब्लॉक नॉन इम्पॉर्टेंट अर्जेंट और नॉन अर्जेंट वर्क के साथ होगा। एंड इसे फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला ब्लॉक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला है उसमें आपको वो काम रखना है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मीन्स किसी काम की डेडलाइन आई हुई है, आप उस काम को इस ब्लॉक में रख सकते हैं। एंड जो सेकंड ब्लॉक है इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट, अब आपको इस ब्लॉक में वो काम को रखना है जो इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। एंड जो थर्ड ब्लॉक है नॉन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इस ब्लॉक में आप वो काम रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अर्जेंट है। एंड जो फोर्थ ब्लॉक है नॉन इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट, इस ब्लॉक में आप वो काम रख सकते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट और ना ही अर्जेंट है। जैसे कि आप कोई भी काम अपने फ्री टाइम में करते तो इस टेक्निक से आप अपने वर्क को मैनेज कर पाओगे और वर्क मैनेज से टाइम मैनेज होगा एंड टाइम मैनेज से डे मैनेज होगा। एंड इस तरीके से आप एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीख जाओगे।